बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर्रहमानुर्रहीम हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर्रहमानुर रहीम हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार अल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं अल्लाह से शैतान मर्दूद के शर से पनाह चाहता हूँ। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान बेहद रहम फरमाने वाला है। वो अल्लाह जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जो गायब और हाजिर को जानने वाला है, वही रहमान और रहीम है। वो अल्लाह जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जो बादशाह है, कुद्दूस है, सलाम है, अमान बख्शने वाला है, हिफाजत फरमाने वाला है, इज्जत वाला है, अजमत वाला है, तकब्बुर वाला है। अल्लाह की पाकी है उनके शिर्क से, वही अल्लाह है पैदा करने वाला, हर एक को सूरत और शक्ल बख्शने वाला। उसी के लिए सब अच्छे नाम हैं। उसी की पाकी बोलता है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, वही गालिब हिकमत वाला है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबीयिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। इब्तिदा है रब्बिल जलाल के पाको बाबरकत नाम से जो रहमान और रहीम है, और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हों नबी आखिरुज़्ज़मा आकाए दो जहां सरवर कायनात सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन साहिब काब कौसैन मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं माह मुबारक के सिलसिले में ANN न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन ईमान-ए-रमज़ान, और मैं आपका मेज़बान रोहान दानिश इस ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज 29 अप्रैल 2020 और 5 रमदानुल मुबारक 1441 है। ये सब्र का महीना है। ये वो महीना है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका पहला हिस्सा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा जहन्नम से आज़ादी का है। पहले अशरे की यानी पहले 10 दिनों की दुआ हमें यूँ तालीम की गई। फरमाया, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे, ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, और तू बेहतरीन रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे माह रमज़ान को कैसे गुजारा जाए, इसके तकद्दुस का कैसे ख्याल रखा जाए, और सुबह और शाम में अपने मामूलात को किस तरह से रखा जाए कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की उन रहमतों के हकदार बन जाएं जो इस माह मुबारक के तवस्सुत से हम पर साया फिगन हैं। बिलाशुबा अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन के मुताबिक ये रहमतों वाला महीना, ये बरकतों वाला महीना और मग़फ़िरतों वाला महीना है। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला के कलाम पाक से हो चुका है। तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल कर रहे थे। मैं आपको बताता चलूँ, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जुबैर मुस्तफ़ाई, इनसे हम आज के इस प्रोग्राम में मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे और जानेंगे कि आप नाज़रीन की आगाही के लिए, शऊर के लिए और उनकी तालीम के लिए फरमाइए कि सुबह शाम अपने मामूलात को कैसे बनाया जाए कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हो जाए और उसकी रज़ा के हकदार ठहरें। यह ना हो कि ये माह मुकद्दस हमसे गुजर जाए और हम इससे महरूम रह जाएं, क्योंकि ये बिलाशुबा एक बहुत बड़ी बदबख्ती वाली बात होगी। और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला हमने अपने मामूलात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों के हुसूल का ज़रिया बनाने में अपनी पूरी तवानाइयाँ ज़रूर सर्व करनी है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मलिक मुबीन हुसैन, पंचतनी मारूफ सनाख़ा हैं। पूरे पाकिस्तान में कराची से लेकर इस्लामाबाद तक मुख्तलिफ़ कौमी सतह के मिलाद के और नात खानी के प्रोग्रामों में नकाबत के फ़राइज़ भी सर अंजाम देते हैं। नात खानी के हवाले से कौमी सतह के एवार्ड्स भी हासिल कर चुके हैं। हम प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले इनसे गुजारिश करेंगे कि आप हमें हमद बारी ताला सुनाकर हमारे दिलों को मुनव्वर करें और हमारे ईमान को जिला अता फरमाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से बाकायदा आगाज़ से पहले, हमद बारी ताला के आगाज़ से पहले, मैं आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को इस ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहता हूँ। मलिक मुबीन हुसैन पंचतनी, हमद बारी ताला के लिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी का सिर खुदी का सिर निहाला। इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी है तेरे फसा खुदी है तेरे फसा। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहाँ सनम कदा है जहाँ। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी ने पूछा मेरे नबी से कि जन्नत की कितनी कीमत है। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह कि जन्नत की कितनी कीमत है। मुस्तफ़ा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। जिक्र हो खुदा का और जिक्र मुस्तफ़ा ना हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? नाजरीन, हम मुबीन साहब से गुजारिश करेंगे प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अक़ीदत के फूल निछावर करें और मेरे और आपकी मोहब्बतों के मरकज़ वजूद वजह कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों को, उनके साथ हमारी अक़ीदतों को और ज़्यादा जो है वो तवनाई दें और ज़्यादा बढ़ावा दें। जनाब मलिक मुबीन हुसैन पश्तनी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। हाँ मैं गुलाम में पंजतन पाक हूँ, मैं दरे बतूल की खाक हूँ, मैं हसन हुसैन का हूँ गदा, मैं गदाए मैं हसन हुसैन का हूँ गदा, मैं सगे जनाबे अमीर हूँ, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरा नाम या मुहम्मद, के तेरे नाम ने बनाए मेरे काम या मुहम्मद, है यही मेरा तरीका, है यही मेरा वजीफा, मेरी सुबह या मुहम्मद, के मेरी शाम या मुहम्मद, के तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए, तेरी जालियों के नीचे तैबा को जाने वाले तुझे देता हूँ दुआएं, तैबा को जाने वाले तुझे देता हूँ दुआएं, तुझे देता हूँ दुआएं, दरे मुस्तफ़ा पे जाके तू जहाँ को भूल जाए, दर मुस्तफा पे जाके तू जहाँ को भूल जा, ये जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। तेरी जालियों के नीचे और रोजे के सामने में ये दुआएं मांगता था। रोजे के सामने में ये दुआएं मांगता था, ये दुआएं मांगता था। मेरी जान निकल तो जाए, ये समा बदल न जाए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। तेरी जालियों के नीचे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब मलिक मुबीन हुसैन पाकिस्तानी साहब, आपकी जानिब से हदिया अकीदत बहजूर सरवर कौनैन सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, हमारे आज के इस प्रोग्राम का मौजू है रमज़ान को कैसे गुजारा जाए। हम गुफ्तगू करेंगे जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जुबैर मुस्तफ़ाई साहब से, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको ईमान रमज़ान में खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में अर्ज़ किया कि आज का हमारा मौजू है रमज़ान को कैसे गुजारा जाए। हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर मुस्तफ़ाई साहब से। मौलाना साहब फरमाइएगा कि आवाम को शऊर देने के लिए, तरबियत के लिए, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया, मुख्तलिफ़ अहादीस में, रिवायात में, जिनका ख़ुलासा ये है, मफ़हूम ये है कि ये महीना जो है ये तरबियत का महीना है। तो आप हमारे नाजरीन को ख़ुसूसन ख़ास तौर पर जो है वो नौजवानों के लिए फ़रमाइए कि रमज़ानुल मुबारक के में अपने मामूलात, शब रोज़ के अपने मामूलात को कैसे रखा जाए कि रमज़ान का एहतराम मुमकिन हो जाए और हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतों के हकदार बन जाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानहू का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मोमिनो, तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए जैसा कि तुमसे पहले ही उम्मतों पर फ़र्ज कर दिए गए थे। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी परहेज़गार बन जाओ। तो यहाँ पे अल्लाह करीम जल्ल शानहू ने अपने साहिब ईमान बंदों की तरबियत के हवाले से फरमाया कि सिर्फ़ ये रोज़े तुम पर भी नहीं, पहले जितने भी अंबिया तशरीफ़ लाए तमाम की उम्मतों पर ये रोज़े फ़र्ज थे। मकसद ये था कि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। तकवे की जो तरबियत दी जा रही है कि इसमें रमज़ानुल मुबारक के रोज़े में और जैसे भी जो भी नफली रोज़े हों हम रखते हैं, बिलखुसूस ये जो हम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं रमज़ानुल मुबारक के, इनमें सिर्फ हमें भूख और प्यास से नहीं रुकना होता, भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं करनी होती, खाने पीने से रुकना नहीं होता, बल्कि हमें माह रमज़ानुल मुबारक में ख्वाहिशात नफ्स को भी रोकना होता है। हमें दूसरे मुसलमान भाई से अच्छे सलूक से भी पेश आना होता है। इबादत और रियाज़त का सिलसिला बढ़ जाता है। आयात और रिवायात और अहादीस से ये बात साबित होती है कि इस माह मुअज़्ज़म को नेकियां कमाने की फसल बहार कहा गया है। तो हमें वो काम करने चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक है। हमें ख्वाहिशात नफ्स से भी बचना चाहिए, लोगों को इज़ार-ए-सानी से वाले जो काम हैं उनसे भी बचना चाहिए, और रमज़ानुल मुबारक की एक ख़ास जो फ़िज़ा है, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम उनका ये मामूल था कि साल हर साल जो उनकी मसरूफियात होती थी दुनियादारी के हवाले से, मामलात दुनिया के हवाले से, वो इस माह मुअज़्ज़म के आने से पहले तमाम को क्लोज़ कर लेते थे और रमज़ानुल मुबारक को यकसुई के साथ इस माह मुअज़्ज़म में नेकियां कमा सकें, रोज़े भी अच्छे से और मुकम्मल खुशू खुदू के साथ रखे जाएँ। करामी की माजरत चाहते हुए यहीं से थोड़ा सा अर्ज़ कीजिएगा, आपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन का जिक्र किया, ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के जो बड़े बड़े मामूलात थे, यानी चंद चीज़ों का तस्करा फरमा दीजिए जिनका वो ख़ास तौर पर एहतमाम करते थे माह मुक़द्दस में। जी, रमज़ानुल मुबारक के माह मुअज़्ज़म में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस माह मुअज़्ज़म में एक नेकी का सवाब वो 10 गुना 10 से 770 गुना और 70 से 700 गुना तक बढ़ जाता है। जैसे नमाजों के हवाले से कि नवाफिल का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है, फ़र्ज़ों का सवाब 70 बढ़ जाता है। तो अपने इन मामूलात में नवाफिल की कसरत, कुरान मजीद की तिलावत और अहकाम शरिया पर मुकम्मल तौर पर अमल की जो है ना तरगीब बढ़ जाती थी, और सदकात भी इसी तरह से। इसी तरह जो राह खुदा में सदका करने का मामूल था, जो अहबाब साहिब माल हुआ करते थे, साहिब इस्तिताअत हुआ करते थे, तो वो रमज़ानुल मुबारक में ज़कात और सदक़ात के ज़रिए जो है ना अल्लाह का कुर्ब हासिल करते, क्योंकि ज़कात का जो सवाब है वो तो साल में जिस टाइम दे सकते हैं, मगर रमज़ानुल मुबारक में देने का जो मामूल था वो ये था कि नेकी का सवाब 10 से 70 से 700 गुना तक बढ़ जाता है। इस वक्त जो हमारी मुल्क की बल्कि आलमी जो सूरत हाल है कोरोना के सबब, तो इस वक्त तो जो है एक तो वो तबका है ना जो अमूमी तौर भी जिसे यूँ कहा जाता है कि ख़ते गुर्बत की सतह में या उससे नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो मुआशी हालात हैं उसके सबब तो सफ़ेद पोश तबका भी जो है वो परेशान है, जो किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला सकता। जी बिल्कुल। तो इस सिलसिले इन सारी सूरत हाल में तो ये इस चीज़ की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम अपने कुर्ब जवार में नज़र रखें, देखें, जो है ख़ास तौर पर जो है वो एहतमाम करें कि कोई हकदार जो है। जी, मैं अर्ज़ करूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान आली शान की रोशनी में कि जो आपके अईज़ अकरबा हैं उन पर सदका व खैरात करना या उनके साथ सिला रहमी करना, जो आपके अजीज़ हैं, देखते हैं कि आप वो साहिब इस्तिताअत नहीं हैं, परेशान हाल हैं और वो किसी से मांगते भी नहीं हैं, शर्म आर महसूस करते हैं, लेकिन उनके घरेलू मामलात बड़े तंग चल रहे हैं, तो आप उनको देखते हैं और चुपके से उनकी जो है ना हेल्प कर देते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ऐसे अहबाब रिश्तेदारों को देना 2 गुना सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। 2 गुना सवाब इस तरह कि एक तो उसने जो राह खुदा में खर्च किया उसका अजर हो गया, एक उसका अजर मिल गया, और जो उसने अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी का मामला किया उस पर भी अल्लाह ताला उसको सवाब अता फरमाता है। तो अपने रिश्तेदारों में देखें, बजाय कुछ लोग सुनने में आता है कि किसी की तंगदस्ती पर हंसते हैं और किसी को परेशान देखकर उनके दिल कुढ़ने की बजाय, मुसलमान भाई को परेशान हाल देखने की सूरत में दिल कुढ़ने की बजाय वो खुश होते हैं कि देखो आज उसको पता चल गया है, आज उसके मामलात कैसे हैं। तो हमें इस बात से अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात वो है कि एक फ़कीर को चाहे तो बादशाह कर दे और बादशाह को चाहे तो फ़कीर कर दे। यानी अगर किसी का माजी ऐसा भी हो कि वो किसी पर जुल्म व सितम में मुलविस रहा हो, मगर उसकी तंग दस्ती पर या उसके हालात ख़राब पर भी हमें खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी हालत को देख कर अल्लाह से पनाह चाहनी चाहिए, अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए और अपने मामलात को सुधारने का एहतमाम करना चाहिए। तो नौजवानान उम्मत से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि वो रमज़ानुल मुबारक में अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और क्योंकि जवान होते हैं उनके अंदर नेकी करने की कुव्वत भी, क्योंकि दर्द जवानी तौबा करदन शेवाए पैगम्बरी के जवानी में अल्लाह की राह में आ जाना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पर झुक जाना और आकर अपनी जवानी को जो है ना वहाँ पेश कर देना, अपनी तमाम तर कुव्वतें दीन इस्लाम की तरवीज के लिए, गरीबों, मिस्किनों और परेशान हाल लोगों की मदद के लिए गुजारना ये अहम चीज़ है और ये बायस सवाब है। सब ये फरमाइएगा, जज़ाकल्लाह खैर, ये फरमाइएगा कि अभी मेरे जहन में ये बात आई आपकी इस गुफ्तगू के नतीजे में, जब आपने ख़ास तौर पे नौजवानों का जिक्र किया, अमूमी तौर पे ये देखा गया है कि हमारे जो नौजवान दोस्त होते हैं, नौजवान तबका है, वो इस एहसास में मुब्तला होता है जब उसे कहीं से नेकी की तरगीब मिलती है ना, तो फिर जहन में ये बात आ जाती है कि अच्छा मैंने पिछली ज़िंदगी तो ऐसे गुजारी, मैंने नमाज नहीं पढ़ी, दीन के हवाले से या कुरान मजीद के हवाले से मैंने शौक़ का अहतमाम नहीं किया, यानी वो नदामत का जो एहसास तो अंदर पैदा हो रहा है मगर वो फिर आगे दोबारा उसको दीन से दूरी की तरफ लेके जा रहा होता है। यूँ देखने में आया है कि वो कहते हैं कि चूँकि मैंने पहले नमाज नहीं पढ़ी, मैं इतना गुनहगार हूँ, तो अब मेरी नमाज पढ़ने का या मेरे रोज़े रखने का क्या फ़ायदा है। तो ज़रा इस पर थोड़ी रहनुमाई फरमा दीजिए। जी, मैं अर्ज़ करूँगा कि ऐसे मेरे भाई जो इस तरह की जो है ना कश्मकश का शिकार होते हैं कि हमें हम अब कैसे किस मुंह से अल्लाह की बारगाह में हाजिर हों, पहले हम ये करते रहे हैं। देखें, तौबा का दरवाज़ा खुला है, अल्लाह ताला अपने बंदे मोमिन की तौबा का इंतज़ार करता है। जब वो गुनाह कर बैठता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि मेरे बंदे के गुनाह को अभी ना लिखना। फरिश्ते एक पहर दो पहर तक रुक जाते हैं, अच्छा कि ये तौबा कर ले, तौबा कर ले। अल्लाह ताला से अर्ज करते हैं फरिश्ते, रब करीम ने तो गुनाह कर लिया है, लिहाजा हम इसका गुनाह लिख देते हैं। अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने बंदे की तौबा का इंतज़ार कर रहा हूँ, इसके नामे आमाल का जो सफ़ा है उसकी बुराइयों से भरे नहीं, अभी देख लो, मत हो सकता है कि जो है ना ये झुक जाए, आ जाए, निदामत के आंसू बहा ले और मैं इसे माफ़ कर दूँ। तो हमारा ये मामूल होता है कि हम फिर उस पर मुसर हो जाते हैं, मज़ीद करने में जो है ना हम गुनाहों पर उस पर डट जाते हैं बजाय तौबा करने के। यानी फौरी जल्दी करनी चाहिए, तौबा में जल्दी करनी चाहिए। तो और इसके अलावा जो हमारे नौजवान भाई इस तरह की कशमकश का शिकार होते हैं कि हम अब किस मुँह से अल्लाह की हुजूर हाजिर हों, तो पिछले गुनाहों पर तौबा करने के बाद अल्लाह के हुजूर आ जाएँ। नौजवानान उम्मत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अशाबुत ताइबु हबीबुल्लाह, आना हबीबुल्लाह व शाबुत ताइब हबीबुल्लाह, कि मैं अल्लाह का हबीब हूँ और जो जवान जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब है। और एक और रिवायत में आता है कि जब कोई शख्स, नौजवान शख्स जिसके पास गुनाह करने की कुव्वत हो, वो चाहे तो चोरी कर ले, ताकत है उसके पास, चाहे तो जिना करे, उसके पास ताकत है, चाहे जिस तरह की मर्जी वो बुराई करे, उसके अंदर ताकत है, इसके बावजूद भी वो उससे बचता है और तौबा करता है, अपने साबिक़ा गुनाहों पर तौबा करता है, तो उसके बारे में आता है कि अल्लाह ताला 40 दिन तक मशरिक़ से लेकर मगरिब, शिमाल से जनूब तक के कब्रिस्तानों से मुर्दों के अजाब को मौकूफ़ फरमा देता है, एक नौजवान के अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करने की बरकत से। यानी खुद अपने लिए तो फ़ायदा है, फ़ायदा ही है, लेकिन जो है वो दीगर वो अफराद जो दुनिया से चल बसे हैं उनके लिए भी जो है ना वो रहमत का सबब बन रहा है। सुभान अल्लाह, एक जवान का तौबा करना और अल्लाह के हुजूर आके आंसूए निदामत बहाना। अच्छा मौलाना साहब, ये फरमाइएगा कि जैसे कि आपने फरमाया कि ज़ाहिर ये तरबियत का महीना है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मकसूद ये है कि तकवा इख्तियार किया जाए, परहेज़गारी इख्तियार की जाए, तो मामूलात का जिक्र हो रहा है, रमज़ान कैसे गुजारा जाए। ज़ाहिर है सबसे पहले तो जो है वो सुबह से शाम तक, सहरी से इफ्तार तक जो है वो कुछ ना खाना पीना है। अब ज़रा तकवा के हवाले से थोड़ी वजाहत फरमा दें कि तकवा में क्या क्या चीज़ें दाखिल हैं, यानी किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए और कौन से काम किए जाएँ या ना किए जाएँ कि अल्लाह की जनाब में जो है वो मुत्तकी लिखे जाएँ, परहेज़गार लिखे जाएँ। जी, मैं अर्ज़ करूँगा कि आम औकात में भी किसी गैर महरम की तरफ नज़र डालना, उसको देखना, ये ममनू है और गैर शरई अमल है। तो हमारे नौजवानों में ये चीज़ का रेशो है वो ज़्यादा पाया जाता है कि वो मूवी देख लेते हैं या फिर रोज़ा रख के वो जो है ना किसी और काम में, किसी गेम में मशगूल हो जाते हैं, या वक्त का ज़िया है। तो रोज़ा रख के ज़्यादा से ज़्यादा हमें इबादत इलाही करनी चाहिए, कुरान मजीद की तिलावत करें और तौबा इस्तिग़फार करें, तस्बीहात का मामूल रखें और नमाज को जमात के साथ और बाकायदगी के साथ पांचों नमाज़ों का अहतमाम करें। और साथ ये है कि फजूल की गुफ्तगू से, फजूल के मामलात से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है ना बंदे के आमाल का हुस्न ये है कि वो अपनी ज़िंदगी से तर्क, ऐसी चीज़ों को तर्क कर दे जो उसकी ज़िंदगी में फजूल है, ये हुस्न आमाल है। तो जिनका दुनिया और आखिरत में कोई फ़ायदा ही नहीं, लहवो लाभ है, वो खेल कूद है, महज आर्जी जो है ना वो है, जिससे इंसान गफलत का शिकार हो जाता है। तो उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से, बेमानी चीज़ ला मानी जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, उन चीज़ों को दूर करे और अल्लाह और उसके रसूल की दहलीज़ पर आकर तौबा इस्तिगफार करे, अपने साबिक़ा गुनाहों पर माफ़ी चाहे। और तकवा ये है कि जब वो बोलने के वक्त मुँह से बोले तो सच बोले, सही, वो किसी की गीबत ना करे और मुंह को, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखे। बुज़ुर्गान दीन का जो है ना मामूल था वो, ये तो रमज़ानुल मुबारक है और आम दिनों में भी बुज़ुर्गान दीन के बारे में, बाज़ सूफिया के बारे में आता है कि वो अपने ज़ुबान में पत्थर रख लेते थे ताकि कम बोलें और ना इससे किसी की दिल आज़ारी हो। और हमारी ज़ुबान की वजह से, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल-मुमिनु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मोमिन वो है कि जिसकी ज़ुबान और हाथ के शर से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। ज़ुबान से लगाया हुआ तीर, ज़ुबान से किए हुए तान और तशनी, ये इंसान पर ऐसे गहरे ज़ख्म छोड़ते हैं जो तीर व तलवार नहीं छोड़ते। तो अपने मामूलात में सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि खैरुन्नासी मय्यन फ़ौन्नास, जो बेहतर लोगों में से बेहतर वो है जो दूसरों को नफ़रत फरमाए। और इस तरह का एक और फरमान है कि जो खैर मिन अहलिही, कि जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। आपकी अच्छाई के बारे में बाहर से लोग तो डंके बजा रहे हों, मगर आपके घर में मामूलात ऐसे हों कि घर में दाखिल हुए बीवी से, बहन से, माँ से, भाई से जो है ना उलझते हुए, गाली गलोच करते हुए मामूलात हों। तो इन चीज़ों से हमें रुकना चाहिए। और गाली के हवाले से यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा किराम हाजिर थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने वालिदैन पर लानत भेजते हैं। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, उस शख्स से बढ़कर भी कोई बदबख्त हो सकता है कि जो अपने ही वालिदैन पर लानत भेजे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, वो शख्स जो दूसरे के वालिदैन को गाली देता है। और ऊपर से ये कि रमज़ान में देना, और वो कि हमें ज़ुबान से भी, अपने हाथ से भी जो है ना तकवा इख्तियार करना है। तकवा का माना है कि जो है ना हमें अपने दामन को बचा के रखना है अल्लाह की नाफरमानी से, और हर बुरे काम से हमें अपने दामन को बचाना है, यही तकवा है। तो इंसान ख्वाहिशात नफ्स से, ज़ुबान से किसी की दिल आज़ारी करने से, अपने अमल से किसी की दिल आज़ारी करने से, और ख्वाहिशात नफ्स से बचते हुए इंसान जब रुक जाता है तो यही तकवा है। तो जज़ाकल्लाह खैर मुफ्ती साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू को मज़ीद सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, ये गुफ्तगू जारी रहेगी। रमज़ान में अपने मामूलात को क्या रखा जाए, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जुबैर मुस्तफ़ाई साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे। और हमारे साथ मौजूद हैं मलिक मुबीन हुसैन पाकिस्तानी साहब। इस वक्त हमें जाना है एक ब्रेक पर। हम इनसे नाते रसूल मकबूल भी सुनेंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो रहा है, उनके फ़रामीन का ज़िक्र हो रहा है, तो लाजिम है कि उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है वो हम ज़िक्र करें। बिलाशुबा अल्लाह का ज़िक्र और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र इबादत है, और ये इबादतों का ही महीना है। हम जाएँगे एक ब्रेक पर, हमारे साथ रहिएगा।